क्योंकि पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा रहा है, तो के माध्यम से इसको बांधा जाता है, इन शिलाओं को। राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको दीपोत्सव के शुभारंभ पर राम मंदिर के दिव्य अलौकिक स्वरूप एवं राम मंदिर के तृतीय तल यानी थर्ड फ्लोर के सबसे नए निर्माण कार्यों के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। राम स्नेही राम गति राम चरण रति जाहि, तुलसी फल जग जन्म को धियो विधाता ताहि। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री राम का ही प्रेमी है, प्रभु श्री राम ही जिसकी गति है और जो राम के ही चरणों में जिसकी प्रीति है, बस उसी को विधाता ने जगत में जन्म लेने का यथार्थ रूप से फल प्रदान किया है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सभी के लिए अनुकरणीय हैं। जन जन के हृदय में बसने वाले प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस दिव्य चैनल में प्रभु श्री राम की दिव्यतम आत्मा का वास है, और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ें एवं सच्चे हृदय से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने आप देख सकते हैं कि यह राम मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम दृश्य है, और आप यहां देख सकते हैं कि राम मंदिर के थर्ड फ्लोर पर तेजी से निर्माण कार्य यहां पर किए जा रहे हैं, और साथ ही संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर को दीपोत्सव के पावन पर्व के अवसर पर सजाने की तैयारी भी की जा रही है। और आप यहां देख सकते हैं कि परकोटा के मुख्य शिखर यानी सिंह द्वार के ठीक सामने स्थित परकोटा के मुख्य शिखर के यहां पर सजावट का कार्य चल रहा है, और यहां पर बेहतरीन जुगनू लाइटिंग से संपूर्ण परिसर को जगमगाया जा रहा है, और परकोटा के शिखर पर मोर की आकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था की जा रही है, ताकि रात्रिकालीन परिदृश्य में राम मंदिर काफ़ी अधिक अद्भुत एवं अलौकिक प्रतीत हो। राम मंदिर के तृतीय तल के सबसे नए निर्माण कार्यों के परिदृश्य में अभी तक राम मंदिर के तीन शिखरों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, और इसमें मुख्य रूप से नित्य मंडप का शिखर, कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप के शिखर निर्माण कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुके हैं, और अब तीन शिखरों के निर्माण कार्य यानी रंग मंडप, गूढ़ी मंडप एवं मुख्यतम शिखर गर्भगृह के शिखर का निर्माण कार्य अभी भी शेष है, और वर्तमान में गर्भगृह का शिखर निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है। और आप यहां सामने देख सकते हैं कि रंग मंडप के शिखर का निर्माण कार्य लगभग 80% के आसपास पूर्ण हो चुका है, और रंग मंडप के शिखर की जो सबसे बड़ी खास बात है कि राम मंदिर के फ्रंट व्यू से यदि आप देखेंगे तो रंग मंडप का शिखर सबसे आगे आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर का जो नित्य मंडप है वह काफ़ी अधिक छोटी आकृति का है, लेकिन इसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में शिखरों की ऊंचाई होगी, और जिसमें रंग मंडप दूसरा सबसे बड़ा मंडप होगा, जो कि अत्यंत दिव्यतम और सभी राम भक्तों के मन को मोह लेगा, और इसके बाद गूढ़ी मंडप का विशालतम शिखर सबसे अंत में बनाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य 2025 के बाद ही संभव है, क्योंकि अभी सीधे तौर पर मुख्य शिखर को बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, और गर्भगृह के शिखर निर्माण कार्यों में अभी तक
केवल 35% कार्य ही पूर्ण हो पाया है, क्योंकि दीपोत्सव के पर्व के दौरान निर्माण की गतिविधियां आज से प्रभावित होंगी, क्योंकि 28 से लेकर के 31 अक्टूबर तक दीपोत्सव पर्व का आयोजन होगा और जिसमें राम मंदिर परिसर में यहां पर सजावट के साथ साथ हजारों दिए संपूर्ण परिसर में लगाए जाएंगे। अतः यहां पर बड़ी संख्या में श्रमिक छुट्टी पर जा सकते हैं, उनको यहां पर अवकाश प्रदान किया जाएगा और 2 से 3 दिनों बाद ही निर्माण की प्रक्रिया को फिर से आरंभ कर दिया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि परिसर का रात्रिकालीन सबसे नवीनतम और सबसे मनमोहक परिदृश्य है, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस नवीनतम परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ढंग से संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर को सजाया और संवारा गया है, और यहाँ पर जो अद्भुत लाइटिंग है इससे राम मंदिर की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। और संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर में दीपोत्सव पर्व के दौरान 20,000 से अधिक दिए लगाने की व्यवस्था की जा रही है, और इसके लिए स्वयं सेवकों के समूह के द्वारा राम जन्मभूमि परिसर में 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा और जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेवक भाग लेंगे। और राम जन्मभूमि परिसर में इतनी सुंदर व्यवस्था होने वाली है जो कि अब तक नहीं की गई है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद राम मंदिर में पहली दिवाली मनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के बाद राम मंदिर की जो पहली दिवाली है वह बहुत अधिक खास होने वाली है। देखिए पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी क्रेन आई है, मुझे लगता है कार्यशाला में इतनी विशालतम क्रेन यदा कदा ही देखी गई है। और विशाल शिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जय श्री राम जी। देखिए पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। हजारों टन में होगा इसका, कई टन में जो है इसका वेट होगा। इसको उठाना भी देखिए, ये पट्टा है, इसके द्वारा इसको लगाया जाता है। और देखिए इसी क्रेन के माध्यम से उठा करके जहाँ पर तराशी होनी है वहाँ पर इन पत्थरों को ले जाया जाता है। ये भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि पत्थरों का की जो वास्तविक लागत है उससे कई गुना लागत इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए ये पट्टे हैं, इन पट्टों के माध्यम से इसको बांधा जाता है, इन शिलाओं को बांधने के पश्चात इसको उस स्थान पर ले जाया जाएगा जहाँ पर इसकी तराशी होगी। अब देखिए इस पत्थर को उठाया जा रहा है। अब ये कई टन वजनी पत्थर हैं। इसको जो है उधर ले जाया जाएगा पत्थरों को, ये लेना ले जाना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। और क्रेन बहुत छोटी सी जगह में इसको मोड़ा जा रहा है।
बहुत ही सावधानी से इन पत्थरों को रखा जाता है ताकि शिलाएं टूटे ना, इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये देखिए, बिल्कुल किनारे स्थापित किया जा रहा है इस पत्थर को, देखिए, क्योंकि ये पत्थर का जो किनारे का पोर्शन है वो तैयार हो चुका है, अब इसको यहाँ रख दिया जाएगा और यहीं से देखिए वो ट्राला है उसी पर लाद करके श्रीराम जन्मभूमि परिसर में ले जाया जाएगा इसको।